नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज इस प्रिंट आउट को आप ध्यान से देखें। ये 140 वाट का प्रिंट आउट है और ये प्रिंट आउट मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी भी कोई सर्किट डायग्राम जब डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता तो मैं उसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर का प्रिंट आउट है और आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें जो वोल्टेज है वो 45 वोल्ट लिखा हुआ है और 140 वाट। तो ध्यान से देखिए, मैं अब इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके आगे तक के लिए काम आ सकती है और ये बहुत बड़ी जानकारी है। देखिए, ये दूसरा प्रिंट आउट है, ये पीसीबी के नीचे का प्रिंट आउट है। तो दोस्तों, जो गूगल पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता, मैं उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपना कोई भी ऑडियो सर्किट बनाने के लिए। तो देखिए, अब इसके ऊपर का प्रिंट आउट दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो प्रिंट आउट है इस पर 100 वाट लिखा हुआ है और वोल्टेज जो लिखी हुई है 40040 लिखी हुई है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो यही चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि एम्पियर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज के बाद आपको किसी को भी बूझने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपने एम्पलीफायर में कितने वाट का, कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना है। तो देखिए, जो मैंने आपको पहला फ़ोटो दिखाया था उसके अंदर था 45 वोल्ट और 140 वाट, ये मेरे पहले वाले इमेज में था। इसमें 45 वोल्ट लिखा हुआ है, 140 वाट लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें 45 वोल्ट और कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना है। हमें यही चीज़ कैलकुलेट करना है कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का आएगा। और जो दूसरा मेरा इमेज था उसमें लिखा हुआ था 40 वोल्ट था और 100 वाट, क्योंकि आधे से ज़्यादा जब हम कोई भी सर्किट निकालते हैं, और सर्किट में क्या होता है कि हमें पीसीबी पर वोल्टेज लिखी हुई मिलती है और उसके नीचे हमें वाट लिखी हुई मिलती है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो ऑडियो सर्किट होते हैं उसमें एम्पियर नहीं लिखे होते। तो इसीलिए मैं आज आपको एम्पियर निकालना सिखाऊंगा कि हम अपने सर्किट के एम्पियर किस हिसाब से निकाल सकते हैं, जिसे कि आप जो दुकान पर खुद जाके एम्पियर के वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, एम्पियर आपको किस तरीके से जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे सर्किट पर 45 वोल्ट लिखी हुई होती है तो हमारी जो ऑडियो आउटपुट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपकी जितनी वोल्टेज ऑडियो बोर्ड पे लिखी हुई है उसमें आपको 10 वोल्टेज ऐड कर देनी है। ये 10 वोल्टेज इसके अंदर आपको ऐड कर देनी है, प्लस इसको जोड़ देना है। तो जैसे ये 45 है तो इसे आपको जोड़ना है 55 वोल्टेज, और जो आपकी 40 लिखी हुई है इसको आपको जोड़ना है 50 वोल्टेज। आपको सिर्फ 10 वोल्टेज ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद देखिए अब आपके जो एम्पियर है वो कैसे निकल के आएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 55 हो गया, 55 होने के बाद, और ये जो दोस्तों मैं 10 वोल्टेज बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल मैंने मीटर से चेक करा हुआ है एम्पलीफायर, ये उसी हिसाब से ही बता रहा हूँ कि अगर आपका एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर 45 का लगा हुआ है तो आपकी 8 से 10 वोल्टेज जो है बढ़ जाती है आउटपुट पर। तो उसी आउटपुट से हमारे वाट निकलते हैं और वाट से हम एम्पियर निकाल सकते हैं। तो देखिए आज आपको किस तरीके से देखना है। अब ये हो गई आपकी 55 वोल्टेज, तो 55 तो आपकी वोल्टेज हो गई और वाट आ रही है आपकी 140 वाट। तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एम्पियर को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, मैं मोबाइल ले लेता हूँ। तो देखिए, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, तो आप देखिए अब किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो 55 वोल्टेज है तो मैं यहाँ 55 लिख देता हूँ। 55 को लिखने के बाद गुना करता हूँ मैं, तो गुना से क्या होएगा, मैं इसमें एम्पियर डालता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि 3 एम्पियर लिखने पे 140 वाट होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैं 3 एम्पियर लिख देता हूँ। 3 एम्पियर लिख के बराबर कर देता हूँ, तो ये देखिए इसमें आ गए 165 वाट। और मैं अगर इसमें 2 एम्पियर लिखता हूँ, 55 गुना 2 बराबर, तो इसमें आते हैं 110 वाट। तो ये हमारा जो 140 है और ये 110 है, तो हमारा 2 एम्पियर नहीं चल पाएगा।
तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब इसके अंदर देखिए हम क्या करते हैं, 55 वोल्टेज गुना 2 टू पॉइंट एक मिनट मैं जरा इसको काट लेता हूँ एक बार। तो देखिए 55 वोल्टेज गुना 3 एम्पियर, तो हमारे वोल्टेज आ गए 165। तो दोस्तों अगर हमारे वोल्टेज थोड़े से वाट बढ़ रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होती है तो हमारा एम्पलीफायर एक हीट होता है, और हीट होने के बाद जो है हमारा ट्रांसफार्मर भी हीट होएगा और हमारी आईसीएस भी हीट होंगी। तो देखिए जिस तरीके से ये हमने निकाला है, इसके अंदर क्या है, ये 165 वाट आ गए हैं, तो इसके अंदर क्या लगेगा हमारा, 55 055 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा इसके अंदर, ये जो मैंने एम्पियर कैलकुलेट करे हैं। तो देखिए अब दूसरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा 40 वोल्ट का है, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 50 50 वोल्टेज और हमारे वाट कितने हैं इसमें अंदर, 100 100 वाट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो देखिए इसको हमें कैलकुलेट करना है अब, पचास वोल्टेज गुना, पहले मैं करता हूँ 2 से कि हमारे 100 वाट आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए 2 बराबर हमारे पूरे 100 वाट आ चुके हैं, तो इसके अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा 50 050, ये जो हमने 10 वोल्टेज तो जोड़ दिया है, तो इसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर तो यही लगेगा 40 040, और इसके अंदर लगेगा 45 045। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 10 वोल्टेज को ऐड करनी है जिस समय हम कैलकुलेट करेंगे अपनी वोल्टेज को, तो इससे क्या है हमारे एम्पियर निकल जाते हैं और हमें एम्पियर के बारे में पता लग जाता है कि हमारे सर्किट में कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने ऑडियो सर्किट को चेक करते हैं तो हमारी वोल्टेज ऐड हो जाती है, तो इसी हिसाब से हमें अपने एम्पियर निकालने होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। 50 को जब आप गुना करेंगे 2 से तो आपकी पूरी वाट आ जाती है 100, क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेट करी है वो पूरी 100 आ गई है, और जब हमने 55 वोल्टेज को गुना करी है 3 से तो हमारी 165 आ गई है। तो इसी चीज़ से ये हमारी वाट निकल के आ जाती है और हमें पता लग जाता है कि हमारा 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो इसके अंदर अब हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, 45 045 3 एम्पियर, और इस वाले के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा 40 040 2 एम्पियर। तो इस चीज़ से हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा ये 2 एम्पियर का हो गया और ये हो गया हमारा 3 एम्पियर का। तो इस तरीके से हम एम्पियर निकाल सकते हैं अपने ऑडियो सर्किट के अंदर। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से और बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। अगर हमारी 45 वोल्टेज है तो उसके अंदर हमें 10 वोल्टेज को ऐड करके गुना करना है, पहले 1 से गुना करते हैं फिर 2 से, और जैसे ही हमारी वाट निकल के आ जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारी वाट अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर 4 5 कम होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 4 5 से नीचे जाती है तो हमें बढ़ा के ही लेनी है, उससे घटानी नहीं है। तो देखिए मैंने एक एम्पलीफायर की भी वीडियो डाली हुई है जो 1000 वाट का है, तो मैं उसके हिसाब से आपको ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट करके बताते हैं, उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए हमारा 1000 वाट का एम्पलीफायर था, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था 55 055, और उस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ था 16 एम्पियर। तो ये तो एम्पियर लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया कि 55 055 16 एम्पियर, लेकिन उन्होंने ये कैसे देखा कि इसके अंदर 1000 वाट बन जाएंगे 16 एम्पियर के अंदर। तो मैं यही चीज़ आपको देखो एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 10 वोल्टेज आपको ऐड करनी है इस 55 के अंदर, 10 वोल्टेज को ऐड करनी है, तो हमारी वोल्टेज कितनी होगी, 65 65 वोल्टेज हो गई, और हमारे वाट कितने हो गए इसमें, 1000, और एम्पियर 16, तो
तो आप देखिए मैं 65 वोल्ट को अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसमें 1000 वाट आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए हमारा कैलकुलेटर आ गया है, अब देखिए मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए 65 वोल्टेज है क्योंकि हमने 10 इसमें बढ़ा दी है, तो मैं 65 डाल देता हूँ यहाँ पर और इसको गुना करता हूँ 16 से। देखिए 16 से गुना करा, इसके अंदर कितने आ गए हमारे 1040। तो ये हमारा 16 एम्पियर को जब मैंने इसमें गुना करा तो आ गए हमारे 1040। तो देखा दोस्तों आप इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एम्पियर कितने आएंगे। और जबकि मैंने ये सर्किट निकाला था इसके अंदर 1000 वाट भी लिखा हुआ था, 55055 भी लिखा हुआ था, एम्पियर भी लिखा हुआ था, लेकिन हम बहुत से सर्किट जो निकालते हैं उसमें हमें पता नहीं लगता कि हमारे एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है कितने एम्पियर का लगेगा हमारे ऑडियो सर्किट में। तो सिर्फ आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास वोल्टेज आपको पता है, क्योंकि हम आजकल जो है गूगल पर सर्च मार के देख लेते हैं कि हमारी आईसी कितने वोल्टेज की है और कितने वाट की है, तो ये तो हमें पता लग जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जो लगेगा वो कितने एम्पियर का है। और देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे कि अब ये हमारी इस बोर्ड में आईसी लगी हुई है 2030, इसमें 3 लगी हुई है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर ये कैसे करते हैं। अब ये हमारी 2030 आईसी है, तो इसके अंदर हमारी आईसी लगी हुई है 3 आईसी लगी हुई है। और 2030 आईसी जब हम किसी भी गूगल पे सर्च मार के देखते हैं तो ये हमारी आईसी होती है 12 वोल्ट और ये 12 वाट तक की होती है आईसी। तो देखिए हमें वाट पता लग गए, वोल्टेज पता लग गए, लेकिन हमें एम्पियर अभी तक नहीं पता लगे हैं। तो आप देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें 10 वोल्टेज को ऐड करना है, तो वोल्टेज कितनी हो गई हमारी 22 वोल्टेज हो गई, वाट कितनी है हमारी 12। तो अब ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, हमारी वोल्टेज कितनी है 22, गुना करते हैं पहले 1 एम्पियर से कि 1 एम्पियर में कितने वाट आते हैं, क्योंकि ये आईसी हमारी 12 वाट की है, तो मैं 1 एम्पियर से इसको बराबर कर देता हूँ। इसके अंदर देखिए 22 वाट आ चुके हैं, लेकिन आईसी हमारी 12 वाट की है, तो इसके अंदर हमारी बोर्ड के अंदर कितनी लगी हुई है 3 आईसी, तो 3 आईसी लगी हुई है। तो मैं 3 आईसी को ज़रा जोड़ देता हूँ, 12 गम 12, 12 दिन 24, 12 3 36, तो हमारे 36 वाट होता है ये पूरा बोर्ड। तो पूरे बोर्ड को ज़रा हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो 22 को मैं गुना करता हूँ और देखता हूँ कि 36 वाट आते हैं नहीं आते हैं। तो देखिए 22 गुना, पहले मैं 3 एम्पियर जोड़ता हूँ, 3 एम्पियर पे हमारे कितने वाट आ जाते हैं, तो देखिए 3 एम्पियर पे जो हमारे ज़्यादा वाट आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये 3 आईसी का बोर्ड होता है वैसे भी इसमें 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इसके अंदर जहाँ तक है 1.5 से 1 एम्पियर ही होता है। तो देखिए मैं आप दिखाता हूँ, तो अब हम 2 एम्पियर जोड़ लेते हैं, तो मैं 22 गुना 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर को बराबर कर देता हूँ। देखिए 44 हमारा सर्किट कितना है 36 वाट का, और जो हमारे वाट आ गए हैं 44 वाट आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर वाट बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाट हमारी कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें 1.5 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं और 2 का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा हमें एम्पियर किस हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें आप 2.5 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं, 2.5 एम्पियर, और आप जो है इसमें 3 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर अगर थोड़े से बढ़ जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पूरा सर्किट बना सकते हैं और जोड़ सकते हैं कि जोड़ने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कितने एम्पियर का लगेगा।